एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर। तो आज मैं तो आई हूँ पर अपने साथ एक चैप्टर भी लाई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एक कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन के एग्जांपल हो जाएंगे 4/6, 5/4, 7/9। तो अब ये फ्रैक्शन आया कहाँ से? इतना तो पक्का है कि ये कहीं से कूद के नहीं आया, पर ये आया कहाँ से? तो मैं बताने के लिए कि ये आया कहाँ से है, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कितने सर्कल हैं, तो आप बताओगे ये 1 सर्कल है। पर अगर मैं इसके 4 पार्ट्स कर दूँ, तो आप बताओगे ये 4 पार्ट्स है। तो अगर मैं इसके 1 पार्ट को शेड कर दूं, कलर कर दूं, या फिर इन सब पार्ट से अलग बना दूं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? ये मैंने शेड डिफरेंट इसको बनाया, कितने पार्ट्स को डिफरेंट बनाया? 1। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है? 4। तो हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब जो हमने शेड किया है उससे अलग जो अनशेडेड पार्ट्स हैं, उनकी फ्रैक्शन अगर हमें बतानी है, तो आप बोल सकते हैं जैसे अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं इसमें? 1, 2, 3। 3 अनशेडेड पार्ट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। फ्रैक्शंस पढ़ा, अब तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसके तुम्हें पार्ट्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं। तो फ्रैक्शन के ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक हम फ्रैक्शन लेते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर नाम क्यों दिया? ये भी तो है, प्रॉपर माने सही, करेक्ट। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, अब उस सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स किए, अब मैंने एक शेड कर दिया या इन तीनों पार्ट से डिफरेंट बना दिया, तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी 1/4। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिखूं 7/4, तो क्या मैं 4 पार्ट से 7 पार्ट्स कलर कर सकती हूँ? कभी नहीं। भाई आप कर सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरीके से कर सकते हो, भाई मैं तो कर नहीं सकती। ओके, तो इसलिए हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, कि करेक्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का पहला टाइप तो फिनिश कर लिया, अब सेकंड टाइप हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन दिया मैंने 7/2, मैंने आपको बताया था कि इसका पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर और सेकंड पार्ट होता है इसका डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कि आप इसी फ्रैक्शन में देख सकते हो, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट सॉल्व करने की। और अगले वीडियो में हम अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन देखेंगे और साथ में थोड़ी थोड़ी मिक्स फ्रैक्शन भी देख लेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।